फाइनली एक और न्यू एपिसोड आ गया है वुमेन स्कैनर का। यान यूनिट से मिलने के बाद वापस फूडन कॉलेज चला जाता है और वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार यूनिट के साथ मेरा मामला ठीक हो गया। उसी समय उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और बोलता है, यान तुम वापस आ गए। यांग जुआंग बास्केटबॉल टीम का एक मेंबर है, वो अनाउंस किया कि वो तुमसे चैलेंज करना चाहता है। यान शॉक्ड होकर बोलता है, ये कौन है, वो मुझे चैलेंज क्यों करना चाहता है, या उसको मेरे से कोई दिक्कत है। उसका दोस्त बोलता है, यांग जुआंग हमारे कैंपस का टॉप 3 फाइटर है और वो बास्केटबॉल में बहुत ही ताकतवर है और उसे स्लैम डंग बैटमैन भी बोला जाता है, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि वो तुम्हें चैलेंज क्यों किया है, लेकिन पूरा कैंपस ने सुना है कि वो अनाउंस किया है तुम्हें चैलेंज करने का। सभी कोई यांग जुआंग और तुम्हारे मैच को देखने के लिए बहुत ही इंतजार कर रहे हैं, डरपोक मत बनो यान। यान हंसते हुए बोलता है, मैं डरपोक नहीं हूँ, कहाँ पर है यांग जुआन, मुझे उसके पास ले चलो। उसका दोस्त बोलता है, वो लोग बास्केट कोर्ट में हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके हैं, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। दूसरी तरफ यांग जुआंग बास्केटबॉल कोर्ट में खड़ा होता है और ये देखकर आपस में सभी लोग बातें करते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि यांग जो एज प्लेयर है वो यान को चैलेंज करना चाहता है, क्या उनके आपस में कोई दुश्मनी है क्या। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि यान ने अपना शूटिंग स्किल दिखाया होगा उन लोगों को और वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो गए होंगे। यांग जुआंग ये देखकर सोच रहा था कि उसका स्टेटस गिर ना जाए, इसलिए वो यान को चैलेंज कर दिया। यान टेक्वांडो क्लब को कुछ ही दिन पहले तो हराया था ना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा यान आज यांग जुआंग से मुकाबला करने वाला है, हम लोग को आज अच्छा शो देखने को मिलेगा। उसी समय वहाँ पर यान आ जाता है, फिर वो यांग को बोलता है, तुम हो यांग जुआंग, मैंने सुना कि तुमने मुझे चैलेंज किया है। यांग बोलता है, हाँ मैं सुना हूँ कि तुम मेरे से अच्छा शूटर हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ। यान बोलते, ठीक है तुम कैसा चाहते हो, एक के एक या टीम बैटल। यांग बोलता है, ग्रुप को रखना बहुत ही मुश्किल होता है, चलो वन वर्सेस वन करते हैं और पिछले आधे घंटे में जो भी ज़्यादा गोल करेगा वो जीत जाएगा। यान बोलते, ठीक है मैं ये दोपहर को फ्री हूँ तो मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। यांग बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम बुरी तरह से हारोगे नहीं। फिर वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं ये सुनकर। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये तो वन वर्सेस वन मैच होने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा आदमी बोलता है, इन लोगों के बीच में अभी से ही टेंशन हो गया है। तीसरा आदमी बोलता है, यान मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो बास्केटबॉल में कितना अच्छा है। फिर दोपहर का समय हो जाता है, यान का दोस्त उसे चीयर करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, गुड लक यान। दूसरी तरफ बास्केटबॉल कोर्ट में यांग यान को बोलता है, ये लो बॉल तुम पहले शूट करो मैं डिफेंड करता हूँ, फिर उसे बॉल दे देता है वो। यान बोलता है, ठीक है, और वो जैसे ही उस बॉल को पकड़ने जाता है उसके हाथ से बॉल शूट कर उसके दोस्त के सर में लगता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, यान तो बॉल को ही नहीं पकड़ पाया, इस मैच का रखने का कौन सा पॉइंट है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, तो यान को खेलना ही नहीं आता है बास्केटबॉल। यान का दोस्त ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है, तुम्हें तो बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है क्या यान, तब तुम यहाँ पर आए कि चले आओ। यान बॉल उठाते हुए बोलता है, ये एक्सीडेंट था, क्या तुम ठीक हो ना। दूसरी तरफ यंग ये सब देखकर अपने मन में बोलता है, वो तो एक बॉल भी नहीं पकड़ पा रहा है, क्या मैं गलत आदमी को चैलेंज कर दिया हूँ क्या, या फिर वो दिखा रहा है कि उसे खेलना नहीं आता है। फिर यान यांग को बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर यान बोलता है, ठीक है आ जाओ, दिखाओ मुझे तुम्हारे पास क्या है। यान उसकी ओर बढ़ते हुए बोलता है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, वो पहले ऐसे ही दिखा रहा था कि उसे खेलना नहीं आता है, क्या यंग जुआंग यान से हट जाएगा आज।